परमपिता परमात्मा शिव जो तुरीय आत्मा है, सदा शिव कहा जाता है, वो सदैव ही स्वयं स्थिति में रहने वाला है। कोई कहे भगवान भी, हम 33 करोड़ देवताओं की तरह इस भ्रष्ट दुनिया में आकर के जन्म लेकर के रहे, जन्म भाई जन्म संग के रंग में आवे, फिर परिवर्तित न हो भी नीचे न गिरे, तब हम मानेंगे। तो भगवान को जन्म मरण के चक्र में आने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मों की गति को सिखाने वाला है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बताने वाला है, वो सुप्रीम टीचर है जो नरको नारायण बनाते हैं। नारायण देवता है, नारायण कोई भगवान भगवान नहीं है। तो जो नरक को नारायण बनाने वाला है, उसे क्या दरकार है कि जन्म भाई जन्म जन्मण के चक्र में आवे। हाँ, वो तो साबित कर देता है कि मैं द्वापर युग की सात्विक रजो प्रधान अवस्था में भी नहीं आता हूं, कलयुग की सात्विक तमो प्रधान अवस्था में भी नहीं आता हूं। मैं कब आता हूं? जब कलयुग की भी तमो प्रधान से तमो प्रधान रौरव नरक की दुनिया बन जाती है, जहां मनुष्य मात्र को, हर धर्म के फॉलोअर्स को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि अब इस दुनिया में उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। भारतवासियों को तो गांधी जी के आने के 50 साल के बाद ही पता चल गया। क्या पता चल गया है? रामदास और रावण का। भारत के लोग समझने लगे थे कि गांधी भगवान का रूप है, राम राज्य लाएगा। फिर क्या हुआ? राम राज्य के बदले और ही रावण राज्य हो गया। तो भारतवासियों को तो विश्वास बैठ गया, जल्दी ही विश्वास बैठ गया कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो इस दुनिया का उद्धार कर सके। भगवान ही उद्धार कर सकता है। परंतु भगवान कौन है, ये बात समझने में भारतवासियों के अंदर रोला हो गया, क्योंकि भारतवासी देवताएं और धर्मों में कन्वर्ट होती रहे, औरों का संग का रंग लेते रहे, जिसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान के असली रूप को एक साथ नहीं पहचान सकते। हाँ, भारतवासियों में भी जो द्वापर युग से जन्म बाई जन्म और धर्मावलंबियों का, धर्म पिताओं का मुकाबला करते रहे, कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, अपने धर्म के सदैव पक्के रहे, उनका धर्म रहा, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम अपनी धारणा को छोड़ नहीं सकते। खास करके भारत की माताओं की ये विशेषता रही,
तो उन माताओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या कर दिया, जौहर कर दिए, ढेर का ढेर हुजूम बना करके आग के अलाव में कूद गई। लेकिन विधर्मियों के सामने अपने पतियों का माथा झुकने नहीं दिया। तो ऐसे भारत में भगवान आते हैं जहां पवित्रता को इतना महत्व दिया गया है। तो बोला, इन बातों का तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। ये बातें कोई कठिन नहीं है, तुम लिख सकते हो और लिखते लिखते तुम्हारी वाणी भी खुल जाएगी। ये लिख देना चाहिए कि परमपिता परमात्मा रचयिता के और रचना के आदि मध्य को हम जानते हैं, और ये समझानी सारे कल्प में ऊंचते ऊंच बाप द्वारा एक ही बार मिलती है। जो नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए, बहुत सहज नॉलेज है। नहीं तो उन गुरुओं ने तो ज्ञान को बहुत कठिन बना दिया है। बाप तो सब कठिनाइयों को सहज करने वाला है, मुश्किलातों को सहज करने वाला बाप ज्ञान को भी सहज करके बताते हैं। बाकी मुश्किल है बाप को याद करना। क्या, क्यों, ज्ञान इतना सहज है फिर बाप को याद करना कठिन क्यों? बहुत से तो ऐसे कहते हैं कि हमें चेहरा भी नहीं याद आता, अपन को बिंदी कैसे समझे। पर साकार में निराकार याद आएगा है? आ ही नहीं सकता। कोई कोई का तो चेहरा सदैव हर्षित मुख दिखाई पड़ता है। ये अंतर क्यों? इससे साबित होता है कि पूर्व के 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने ऊंचते ऊंच पाटधारियों का संग लिया है, इसलिए उनके पुरुषार्थ की स्थिति भी अच्छी रहती है, और जिन्होंने नीचते नीच का संग किया है और ऊंचते ऊंच पाटधारियों को धोखा दिया है, ऐसे भारत की हिस्ट्री में हुए हैं या नहीं हुए? जयचंद जैसे राजा, तो ऐसी आत्माओं को बाप की याद कठिन हो जाती है। अभी तुम समझ गए हो और दूसरों को भी समझा सकते हो कि सत्यु की पावन दुनिया फिर तमो प्रधान पतित कैसे बनी, कैसे बनी, संग के रंग से पतित बनी, अनेकों के संग के रंग से पतित बनी तो पावन कैसे बनेंगे? एक के संग के रंग से जरूर पावन बनेंगे। फिर एक ही जन्म में सत्व प्रधान कैसे बनती है? 63 जन्म में अनेकों के संग के रंग से पतित बनी तो पावन बनने के लिए भी 63 जन्म चाहिए या एक जन्म चाहिए है? क्यों?
पतित बनने में 84 जन्म लगे हैं और पावन बनने में सिर्फ एक जन्म, इसलिए चाहिए कि जिसको याद करना है वो ऊंचे से ऊंचे है। अब फिर नंबर वार क्यों हो जाते हैं? औरों को संग का रंग बुद्धि से लेते हैं तो फर्क पड़ जाता है। बुद्धि से लेना, फिर दृष्टि से संग लेना, फिर वाइब्रेशन के नजदीक में रहकर संग लेना, वाचा से संग लेना, कर्मेंद्रियों से नजदीक आकर संग लेना, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? एक पाप मनसा के अंदर हो रहा है, मनसा के अंदर गंदा सा गंदा संकल्प चल रहा है, और वो ही पाप फिर कर्मेंद्रियों से हो रहा है, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा हो रहा है। ज्यादा पतन कब होगा? है? कर्म इंद्रियों से जबरदस्त अटैचमेंट लग जाता है। महान पाप बन जाता है और फिर ज्ञान में आने के बाद तो 100 गुना वजन चढ़ता है। दुनिया में जो अज्ञानी है उनका तो वही कर्म करने से 1 गुना पाप, और जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने जिन्होंने बाप को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, जान लिया और बाप के सन्मुख आकर अंजाम भी कर लिया, फिर भी पाप करते हैं, तो उनके ऊपर तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता है। इसलिए बोला कि ब्राह्मणों का 1-1 सेकंड बहुत वैल्यूबल है। अभी अपवित्र बने तो एकदम गिर पड़ेंगे। पवित्र जरूर बनना है, बताना है। अगर गार्डली यूनिवर्सिटी में यह शिक्षा मिलती है तो ईश्वर को जानना चाहिए ना। लिख भी सकते हैं गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, रचयिता स्पिरिचुअल गॉड फादर द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज पढ़ रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है, जानने वाले को आस्तिक। तुम बहुत कुछ बातें समझा सकते हो, कह सकते हो कि ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता, न शास्त्रों आदि में ये ज्ञान है। ये ज्ञान हम सब ब्राह्मण पढ़े हैं और हमको खुद बाप आकर के ये ज्ञान देते हैं। फिर कल्प के अंत में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। भले एक जन्म में ही अंतिम जन्म में बाप आते हैं, फिर भी इस अंतिम जन्म में ये ज्ञान क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्या रह जाएगा? आत्मिक स्थिति रह जाएगी, बाकी सारा ज्ञान तंत्र रह जाएगा ज्ञान का। फिर तो नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है। बड़ी बात है कि बच्चे खुद ही कहते हैं हम सत्व प्रधान नहीं बन सकते हैं, तो जरूर मुख्य बात है बैटरी चार्ज करने की। बुलाते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, बैटरी चार्ज करने के लिए आना पड़े या नहीं आना पड़े? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं?
कि बाप आते हैं ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर पति से पावन बनते रहते हैं, हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। परंतु ऐसे हो सकता है क्या? मनुष्य मनुष्यों की बैटरी को चार्ज करेगा क्या? नहीं, एक परमपिता परमात्मा ही है जो बड़े से बड़ी बैटरी है और अखूट बैटरी है। वो कितना ही संग के रंग में आवे, ऐसे नहीं वाइब्रेशन से, ऐसे नहीं दृष्टि से, नहीं कर्मेंद्रियों से भी, कितना भी संग के रंग में आवे फिर भी उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो सकती। शास्त्रों में भले उन्होंने श्लोक भी बनाए रखे, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कैसे कैसे श्लोक बनाए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जैसे मेढक ट्रां ट्रां करते हैं, ऐसे ट्रां ट्रां होती रहती। बाप कहते हैं तुम तो इन बातों को समझा सकते हो, वो सिर्फ है मुख से बोलते हैं, न समझ सकते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं। ये बाप की ही ड्यूटी है समझा करके सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देना। बाकी तो सभी भक्ति मार्ग के गुरु हैं और ज्ञान मार्ग में गुरु होते हैं, है? नहीं होते हैं? नंबरवार होते हैं? ज्ञान मार्ग में गुरु होते ही नहीं, ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक ही सदगुरु होता है। अगर ज्ञान मार्ग में भी गुरु बना करके बैठ जावेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्यों को काट काट करके खा जाते थे, ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा, यहां शूटिंग कर देंगे। इस समय तुम कहेंगे कि हमको तो सदगुरु पढ़ाते हैं और ज्ञान मार्ग में एक ही सदगुरु होता है। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, परंतु अर्थ तो समझते ही नहीं। वो किसको अकाल मूर्त तो सदगुरु समझ लेते हैं, है? नानक को। अरे उसको तो काल खा गया, सबने देखा। जो अकाल मूर्त सदगुरु है उसको तो काल खाते कोई दुनिया में देख ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को काल के गाल में ले जावेगा, फिर भी खुद काल के गाल में जाने वाला नहीं है। बोला तुम जानते हो कि सदगुरु ही सत्य बोलते हैं, सत्य बताकर सत्ययुग की स्थापना करते हैं, सच खंड बनाते हैं। बाकी जो झूठे गुरु हैं वो झूठ खंड बनाते हैं या सच खंड बनाते हैं, है? कौन कौन से हैं झूठ खंड, है? अरे इस्लाम धर्म खंड क्या है? सत्य सदैव आबाद रहता है, कभी खलास नहीं होता। ये भारत सच खंड था, खलास हो गया क्या? खलास हो जावेगा?
नहीं, समुद्र के गर्त में समा जावेगा नहीं। और धर्मखंड सब झूठे हैं, झूठ के द्वारा उनकी स्थापना हुई है, सब खलास हो जावेंगे, सब समुद्र के गर्त में समा जावेंगे। तो सदगुरु ही सत्य बोलते हैं, सच खंड की स्थापना करते हैं, बाकी झूठे गुरु तो सभी झूठ ही झूठ करते कहते रहते हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। और बाप तो बच्चों को अर्थ सहित समझाते हैं कि सर्वव्यापी ऊंचते ऊंच बाप नहीं है। क्या है सर्वव्यापी? जो 500 700 करोड़ मनुष्यों में व्यापक है, पांच विकार व्यापक है, देह अभिमान व्यापक है। वो सदगुरु तुमको अपन से भी ऊंचे बनाते हैं। कैसे? अपन से ऊंचे कैसे बनाते हैं? वो तो सिर्फ शांति भोगते हैं, और हम बच्चे शांति से भी ऊंची स्टेज सुखदान में जाते हैं, जहां शांति भी होती है और सुख भी होता है। वो खुद तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, तुम तो सारे विश्व और ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो। इसलिए बाप तुमको नमस्ते करते हैं, बाप दादा नमस्ते करते हैं, या रूहानी बाप नमस्ते करते हैं। मुरलियों में रोज आता है बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं नमस्ते आता है? इसलिए नमस्ते नहीं आता, नमन करने का मतलब है माथा झुकाना। और बाप दादा बच्चों के सामने वास्तव में प्रैक्टिकल में उनका माथा झुका हुआ रहता है या ऊंचा रहता है? अंत में सारी दुनिया के बीच में रामकृष्ण की आत्माओं का माथा ऊंचा होगा या झुका हुआ होगा? हम तो गीत ही गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर जीत पाने वाला है कपड़े का झंडा है। कपड़े के झंडे की बात नहीं, वो तो जड़ है, कोई शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं, जिनका नाम जिनका रूप सारे विश्व में बाला होकर के रहेगा। ओम शांति।